हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई एचआरएस क्वालिफिकेशन की, आंसर टेम्पलेट सिलेक्शन इंग्लिश। ये बहुत ही इजी क्वालिफिकेशन है लेकिन ट्रिकी है, क्योंकि इसमें कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वालिफाई करना है। इसमें आपको एक क्वेरी दी हुई है, क्वेरी से रिलेटेड टेम्पलेट्स हैं, वो आपको जज करना है कौन सा टेम्पलेट फिट है क्वेरी से। और इसमें आपको क्या चूज़ करना है, जैसे इसमें जो क्वेरी है मूवी थिएटर्स, तो मूवी थिएटर का मतलब यूज़र थिएटर के बारे में सर्च कर रहा है, तो थिएटर नियर मी ये वाला टेम्पलेट 2 सेलेक्ट करेंगे आप। और इस वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ऐसी वीडियोस मैं हमेशा पोस्ट करता रहता हूँ और ऑनलाइन से रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी इस चैनल पर। तो मैंने इसको सबमिट किया, आप देख सकते हैं। नाउ दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ वाटरफोर्ड MJR थिएटर। यहाँ पर देखिए, ये जो थिएटर है ये एक थिएटर का नाम है, वाटरफोर्ड MJR थिएटर 16। तो यहाँ पर नाम है, ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर 100 टाइम्स गिवन है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर आपको ऑप्शन टेम्पलेट 4 सेलेक्ट करना है, क्योंकि टेम्पलेट 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 टाइमिंग्स है, मूवीज़ की टाइमिंग्स हैं। तो जब भी टाइमिंग दिखेंगी आपको, थिएटर का नाम क्लियर है तो आप टेम्पलेट 4 सेलेक्ट करेंगे। इससे मैंने इसलिए टेम्पलेट 4 सेलेक्ट किया। नाउ सबमिट, आई विल सबमिट दिस। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट वन इज व्हाट न्यू मूवीज़ केम आउट दिस वीक। यहाँ पर देखिए, यूज़र जानना चाहता है कौन सी मूवीज़ इस वीक आई हैं, तो उसके लिए मूवीज़ यहाँ पर कीवर्ड है। तो जब भी मूवीज़ की बात होगी तो आपको टेम्पलेट यहाँ पर देख सकते हैं, टेम्पलेट 1 फिट हो रहा है, मूवीज़ नियर दिस, लोकेशन भी है। लोकेशन के अलावा यहाँ पर आप इसका ये इंटेंट समझ सकते हैं कि ये इंटेंट लोकेशन नहीं है, यहाँ पर टाइम से रिलेटेड है, दिस वीक, दिस मंथ या दिस डे। तो इसलिए मैंने इसको टेम्पलेट 1 सेलेक्ट किया। नाउ सबमिट, दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ मूवी थिएटर ला क्रॉस। तो मूवी थिएटर ला क्रॉस यहाँ पर देखिए, आपको सेलेक्ट करना है, तो टेम्पलेट 2 फिट होगा, क्योंकि टेम्पलेट 2 में ही थिएटर बताया गया है, थिएटर नियर मी। तो मैंने इसको टेम्पलेट 2 सेलेक्ट किया है। नाउ आई विल सबमिट, दिस इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ मूवीज़ नियर, मूवीज़ इन थिएटर्स फिलिसबर्ग। तो यहाँ पर कीवर्ड मूवीज़ है, तो मूवीज़ जब कीवर्ड होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया टेम्पलेट 1 सेलेक्ट करना है, नियर लोकेशन के लिए और नियर टाइम के लिए भी आप इसका इंटेंट समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको टेम्पलेट 1 सेलेक्ट किया। नाउ 1 सेलेक्ट करने के बाद आई विल सबमिट, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ गैलेक्सी थिएटर्स इन लास वेगस। तो गैलेक्सी थिएटर ये थिएटर्स के नाम हैं। तो थिएटर नियर मी, इसमें टेम्पलेट 2 लोकेशन आप नहीं लगाएंगे, गैलेक्सी थिएटर एक थिएटर का नाम है, तो यहाँ पर टाइमिंग्स भी विजिबल है। तो जब भी टाइमिंग्स विजिबल होंगी तो आप टेम्पलेट 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में भी मैं टेम्पलेट 4 सेलेक्ट करूँगा। नाउ देन आई विल सबमिट। आप यहाँ देख सकते हैं टेम्पलेट 4 मैंने सेलेक्ट किया है, एंड देन आई विल सबमिट। सो देखिए, ये मेरा गलत हो गया, दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर क्वेरी है आस्क फॉर मूवी थिएटर इन एच सिटी। तो गैलेक्सी थिएटर हम लोग समझ रहे थे कि थिएटर का नाम है, बट ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप इसको टेम्पलेट 2 सेलेक्ट करना। नेक्स्ट वन इज़ मूवीज़ सेंट अगस्टाइन। यहाँ पर देखिए आप, मूवीज़ कीवर्ड है, तो इसके लिए टेम्पलेट मैंने 1 बताया है, तो आप टेम्पलेट 1 सेलेक्ट करेंगे जैसे मैंने किया है, एंड उसके बाद सबमिट। सो दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू वॉच स्टिल वाटर।
यहाँ पर देखिए यूज़र जानना चाहता है, स्टिल वाटर एक शो है, वेब सीरीज़ है, आप यहाँ देख सकते हैं, प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है, अमेजन नेटफ्लिक्स पे भी। तो इसको कैसे देख सकते हैं यूज़र ये जानना चाहता है। तो ऐसे केसेस में ये नन ऑफ द अबव लगाऊंगा मैं, क्योंकि कोई भी टेम्पलेट यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है जिसमें ये क्वेरी फिट बैठे, तो इसलिए मैं इसको नन ऑफ अबव सेलेक्ट करूँगा, देन सबमिट। ये देखिए मेरा गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेरी आस्क फॉर शो टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक मूवी, तो स्टिल वाटर का शो टाइम जानना चाहता है, वैसे ये गलत है, बट यहाँ पर मेरा ये इनकरेक्ट हो गया है, तो आप इसको शो टाइम्स वाले में सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इन दी हाइट्स, इन दी हाइट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर कास्ट दिए हुए हैं, इन दी हाइट्स ये मूवी का नाम है। अब यहाँ पर देखिए मूवी के शो टाइम्स टेम्पलेट 3 में लिखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसको 3 सेलेक्ट किया, टेम्पलेट 3। इन दी हाइट्स एक मूवी का नाम है, और मैं इसको सबमिट करूँगा। नाउ दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ होम टाउन सिनेमा GVC टेक्सस, तो यहाँ पर ये सिनेमा का नाम दिया हुआ है, तो इसलिए शो टाइम यहाँ पर दिख गए हैं, तो शो टाइम्स आपको यहाँ पर टेम्पलेट 4 में दिख रहे हैं, ये देखिए, तो इसलिए मैंने इसको टेम्पलेट 4 सेलेक्ट किया। नाउ आई विल सबमिट दिस, नाउ सबमिट, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। देखिए इस टेस्ट को मैं पास कर चुका हूँ, आई होप आपने यहाँ से लर्न किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।